ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। गुड डे स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, व्हाट इज आवर टॉपिक? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव लाइफ। क्लियर? अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पर जीवन पाया जाता है, जीवन की संभावना। क्लियर? बाकी के जो रिमेनिंग 7 प्लेनेट्स है, यू नो वेरी वेल दैट टोटल 8 प्लेनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। रिमेनिंग 7 प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू सन आर टू हॉट एंड दोज आर अवे फ्रॉम द सन आर टू कोल्ड टू सस्टेन लाइफ। That is why the Earth is the only planet in the solar system which have suitable conditions for living. Clear? Okay, there is a question may arise in your mind that why Earth has life? सिर्फ Earth पे ही जीवन क्यों पाया जाता है? It is because of 3 major domains of the Earth. ये किसके कारण होता है? अर्थ के मेजर डोमेन्स के कारण। क्लियर? लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ दीज 3 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एंड दीज 3 डोमेन्स रिप्रेजेंट द 3 स्टेट्स इन विच मैटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड दोज 3 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वन इज लिथोस्फियर। What is lithosphere? Second, hydrosphere, and third one, atmosphere. Okay, let's talk about the definitions of these 3 domains. Okay, first of all, we talk about lithosphere, the landmass which provide living space for humans, animals, plants, and represent the solid domain of the earth is called lithosphere. It means जो थल, इट मींस लैंडमास जो प्रोवाइड किया जाता है अर्थ के द्वारा, जिसके ऊपर हम रहते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसी पूरे टोटल एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ओशंस, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज विच फिल द डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ एंड रिप्रेजेंट द लिक्विड डोमेन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? हाइड्रोस्फीयर इट मींस वो टोटल एरिया जो कि कवर्ड है बाय वाटर। क्लियर? वो टोटल एरिया जो कि वाटर के द्वारा कवर्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द एयर विच सराउंड्स अस एंड रिप्रेजेंट द गैसियस डोमेन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फीयर। क्लियर? जो अर्थ के आसपास अराउंड जो एयर का एनवलप है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। आई थिंक यू गॉट ऑल द 3 डेफिनेशंस, राइट इट इन योर फेयर कॉपी एंड मेमोराइज इट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट लिथोस्फीयर इन ब्रीफ। क्लियर? अभी हमने बात की कि अर्थ, देयर आर 3 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर इज वन ऑफ देम। Clear? You know very well the surface of the earth is made up of land and water. Earth ki jo surface hai wo completely kisse bani hui hai? Land se aur water se. You know very well land cover 29% area of the earth. How much area cover? 29%. And water covers रिमेनिंग 71% एरिया ऑफ द अर्थ। क्लियर? इट मींस जो पूरी अर्थ है, इसके 71% पार्ट पर सिर्फ क्या है? वॉटर। और ओनली 29% पार्ट पर क्या है? लैंड। क्लियर? द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है विच इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्लियर? तो अर्थ की जो सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि रॉक और मिनरल से बनी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर।
The lithosphere includes all type of land masses. Clear? सभी तरह के land masses include होते हैं lithosphere में. The larger land masses are called ocean. The lithosphere include all types of land masses. The large land masses are called continents. And larger water bodies are called oceans. Okay, so let's talk about the definition of continents and oceans. Okay, the large land masses which are surrounded by water bodies from each side are called continents. Clear? Oceans, the large water bodies that surround the continents are called oceans. Clear? Continents means होता है महाद्वीप. Continent को क्या बोलते हैं? महाद्वीप. Clear? और oceans को बोलते हैं महासागर. Clear? You know very well. There are 7 continents in the world and 5 oceans in the world. So let's talk about the continents first. Dear students, as I told you, continents. Clear? The large land masses which are surrounded by water bodies from each side are called continents. There are total 7 continents on earth. Clear? In decreasing order of their size, they are. Clear? Decreasing order means the first one is largest and the last one is the smallest. ये क्या होता है? Decreasing order. जब हम starting किससे करते हैं? Largest से. और ending कहाँ होती है? Smallest पे. यानी कि सबसे पहले जिस continent का name लिखा हुआ है वो क्या है? Largest continent. Clear? So you know very well. Asia is the largest continent in the world. Clear? Then Africa, then North America, then South America, then Antarctica, then Europe, and at last Australia. Okay, let's talk about the largest continent, Asia. As I told you, Asia is the largest continent in terms of area as well as in terms of population. यानी कि अगर एरिया वाइज हम बात करें तो भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो भी एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे ज्यादा कंट्रीज भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही है. क्लियर? सो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. क्लियर? एशिया इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. एशिया को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. बिकॉज बोथ the highest point of the earth and the lowest point of the earth both found in this continent. Clear? Highest point kaun sa hai? You know very well. Mount Everest, which is located in Himalayan mountain range, and Mount Everest is 8848 meters above mean sea level. Clear? And the lowest point of the earth is in the Dead Sea, which is 418 meters below the mean sea level. Clear? So that is why Asia is known as continent of extremes.